गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते, दिस इज दर्शन खरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का ये लेक्चर टाइटल पर से आप समझ ही चुके होंगे कि मैं आज का ये लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया के लिए ले रहा हूँ, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर CA फाइनल लॉ। अभी तक आज तक मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया जिसके अंदर मैं सिर्फ CA फाइनल लॉ के लिए गाइडेंस दूँ। उसके पीछे स्पेसिफिक रीजंस भी थे, मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या रीजंस थे और मैंने अभी तक ऐसा कोई गाइडेंस क्यों नहीं दिया। पर आज मैं गाइडेंस देना चाहूंगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर CA फाइनल लॉ, और मैं चाहूंगा आप उसको बहुत अच्छे से समझिए। नॉर्मली मेरे क्लास के बहुत सारे टेक्निक्स जो मैं क्लास में यूज करता हूं, उसमें से कुछ मैं यहां पर रिवील करने वाला हूं जो आप खुद सेल्फ स्टडी में एग्जीक्यूट कर सकते हो, और उसके हिसाब से ही मैं प्लान दे रहा हूं। इन एडिशन, नॉर्मली जो रैंकर्स होते हैं, कई रैंकर्स से डिस्कशन करने के बाद, उनके प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को समझने के बाद, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, ये गाइडेंस हम दे सकते हैं CA फाइनल लॉ के लिए। तो मैं चाहूंगा सब जन बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना और बहुत अच्छे से इस लेक्चर को देखना। नियरली 20-25 मिनट कहीं निकाल लीजिए, बैठ जाइए और अच्छे से वीडियो देखिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आपको तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हर इंसान को कि भाई, वो लोग अगर आप सच सुनना चाहते हो कि सच में स्टडी कैसे किया जाता है, तो ही लेक्चर आगे देखिए। क्योंकि मैं पहले ही बोलता हूं, सच ये है कि आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मैं हार्ड वर्क की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं स्मार्ट वर्क की। सो सच ये है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। पर स्मार्ट वर्क में भी दो वर्ड्स है, मैं पहले वो बोलना चाहूंगा। स्मार्ट मीन्स सोचा समझा हुआ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो एग्जीक्यूशन लेवल पे हो सके, ऐसा वर्क। और दूसरा बात है वर्क करना पड़ेगा, वर्क मतलब काम तो करना पड़ेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। एंड दैट डज नॉट इक्वल टू शॉर्टकट्स। कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं, सर एक ऐसा तरीका बता दीजिए कि भाई मैं 2-3 दिन में लॉ खत्म कर दूं, 4-5 दिन में लॉ खत्म कर दूं। मैं बोला नहीं हो सकता भाई, आई एम वेरी सॉरी। कैसे बोलूं, मतलब जो बच्चा रेगुलर पूरा सेल्फ स्टडी करता है या रेगुलर बैच करता है, वो भी लॉ क्रैक करने के लिए मुश्किल में चला जाता है, और 4-5 दिन में आप ये सोचते हो लॉ। तो भैया, जिनको सिर्फ सच सुनना है ना, वो वीडियो देखे, आई एम वेरी सॉरी। जिनको ट्रुथ सुनना है कि मैं इसमें को कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सिर्फ इसको देखे। जो स्मार्ट वर्क करने के लिए रेडी है, स्वेट आउट करने के लिए रेडी है, दिमाग लगाने के लिए रेडी, वो सिर्फ ये लेक्चर देखे। बाकी सब लोगों को मेरी बहुत तहे दिल से विद ड्यू रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट है कि ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सच में प्रिपरेशन करना चाहता है, वही सिर्फ ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी शॉर्टकट्स नहीं देने वाला। जितना जरूरी है प्रिपरेशन, उतना करना ही पड़ेगा। हम CA फाइनल लेवल पे है, इधर उधर के कोई भी वेज निकाल के बात नहीं बनने वाली बच्चों। तो प्लीज इसकी तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। सबसे पहले यह स्ट्रेटेजी है ट्रू एंड फेयर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कि आपके लिए क्या जरूरी है। ओवरऑल टिल द एंड ऑफ लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बकायदा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं बोल रहा, और कोई शॉर्टकट हो भी नहीं सकता। जिस अटेम्प्ट में 32,000 नियरली लोग अपियर करते हैं, 32,000, और सिर्फ 3-4,000 लोग पास होते हैं, तो आपको क्या लगता है शॉर्टकट से पास हुए होंगे? सो ऑब्वियसली कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शॉर्टकट वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर आपका यह सवाल है, सर भाई ओनली डूइंग रिवीजन बैच मेरा काम बन सकता है क्या, तो मैं इस ऑप्शन को ही मिटा देता हूं। ना ही बच्चों को रिवीजन बैच से, जो रेगुलर पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी या रेगुलर बैच करते हैं, उनसे भी ये नहीं होता। तो अगर आप ये बोलोगे कि सर वन डे रिवीजन देख के हो जाएगा क्या, बेटा आई एम वेरी सॉरी, नहीं होगा। और अगर किसी का हुआ भी होगा, तो दुनिया का सबसे लकी आदमी है वो भी यही बोलेगा कि मैंने वन डे रिवीजन करके देखा, मैं लकी निकला। आप पहले यह सोच लो कि आप लकी हो क्या, उतने लकी हो क्या। लकी जरूर होंगे, आप CA फाइनल पे पहुंचो तो लकी तो जरूर होंगे, लेकिन आप उतने लकी हो क्या कि सिर्फ वन डे रिवीजन या 10-12 दिन के रिवीजन बैच के ऊपर आप इसको क्रैक कर दोगे, तो ये ऑप्शन है ही नहीं। एक तो आपको फुल सिलेबस पढ़ना है, या आपको फास्ट ट्रैक फुल कोर्स पढ़ना है। ये दो ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दूसरी बात जो मैं ये बोलना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने सेल्फ स्टडी किया है, तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आपने जो भी सेल्फ स्टडी किया है, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। सर पर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्टअप होगा, कैसे मैं एनालाइज करूं कि मेरा सेल्फ स्टडी या मैंने किसी और का बैच किया है वो बहुत सही है? देखो बेटा, हर टीचर बहुत भारी पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं। हर टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, मतलब उसने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन किया है, वो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट है और खुद होकर पढ़ा रहा है, तो उसको आपसे ज्यादा नॉलेज है। तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्टर है क्या, आपका कॉन्फिडेंस सही है क्या? तो आप सिर्फ ये सवाल पूछिए कि आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, whether all your concepts are clear। अगर आपके सभी concepts clear है,
तो आपको कॉन्फिडेंस ठीक लेवल पे होना चाहिए। लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी किया है या आपने किसी और का प्रिपरेशन किया है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही डाउट है, ये तो बहुत सिंपल है, ये सच है, अब इसके अंदर मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, ये सच है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही डाउट है, तो बेटा फिर कॉन्फिडेंस की कमी ऑब्वियसली हो सकती है। नाउ इट इज अ टाइम कि आप इसको सेट ऑफ करो और ज्यादा पढ़ के। इस केस में आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आपके पास कंसेप्ट बिल्टअप नहीं है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो सेल्फ स्टडी करो और ज्यादा पढ़ के, जिसके अंदर आप आपके कंसेप्ट क्लियर करवा लो, या तो फिर एक आधा किसी का भी, ऐसा नहीं सिर्फ मेरा, ये मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए बनाया ही नहीं है वीडियो पहली बात तो, सो किसी का भी आप कंसेप्चुअल लेक्चर्स उठा लो, जिसके लेक्चर्स काफी कंसेप्चुअल है, जो पूरे आपको 100% कंसेप्ट क्लियर करवा दे, आप उसके लेक्चर्स उठा लो जो नियरली थोड़ा अच्छा एवरेज टाइम के अंदर कंप्लीशन हो पाए। रिवीजन लेक्चर्स की बात मैं नहीं कर रहा, किसी के भी कंसेप्चुअल लेक्चर्स आप उठा लो, आपका काम हो जाएगा। अगर कंसेप्ट में दिक्कत, हाँ कंसेप्ट आपके 100% क्लियर है हर कंटेंट के, कोई दिक्कत नहीं। देखो सीए फाइनल पे 3-4 लेवल होती है एटलीस्ट थ्योरी सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल में तो इतना तकलीफ नहीं होता, जो आप क्लास के अंदर सॉल्व करते हो वही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, बट थ्योरी पेपर में तकलीफ यह होती है कि किसी भी चीज को आपको सबसे पहले कंसेप्ट वाइज समझना जरूरी है। कंसेप्ट वाइज समझने के बाद में उसका रीडिंग, मतलब उस चीज को याद रखना जरूरी है, सो दैट आप उसको एग्जाम में लिख पाओ। फिर उसका एनालिसिस जरूरी है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से एनालिसिस किए जा रहे हैं, एग्जाम पूछे जा रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा नवंबर 2019 वाला क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस का मैं बताऊंगा आपको, या आप वो एनालिसिस देख सकते हो। एनालिटिकल सवाल, 3-3 सेक्शन मिलकर सवाल पूछा है, चौथा आपको इसके खिलाफ क्रॉस रेफरेंसेस खुद बनाने पड़ेंगे, ये चीज आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं नवंबर 2019 वाला पेपर दिखाऊं तो उसके अंदर आप देख सकते हो मेरा यूट्यूब के ऊपर इसका लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। 3-3, 4-4 सबसेक्शंस के ऊपर मिलके एक सवाल पूछा है, क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर करके, सो क्रॉस रेफरेंस वाला सवाल हो। और फिर पांचवी चीज, आपको इसको प्रेजेंट करते आना चाहिए प्रॉपर मैनर में। सो कंसेप्ट फिर रिमेंबर करो, एनालाइज करो, क्रॉस रेफर, और वो सब जमा करके प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करो। तो ऐसे सिचुएशन में ये 5 स्टेजेस से आपको जाना जरूरी है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपका कंसेप्ट ही रेडी नहीं है, तो रिमेंबरिंग, एनालिसिस, क्रॉस रेफरेंस और प्रेजेंटेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पहली चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, बेटा कंसेप्ट प्रिपेयर कर लो, कहीं ना कहीं से किधर से भी सेल्फ स्टडी करके, अच्छा प्रिपरेशन करके, किसी का भी लेक्चर उठा के कंसेप्ट प्रिपेयर कर लो, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी टारगेट, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए, एनालिसिस पर्पस के लिए एक और चीज की आपको आदत लगानी पड़ेगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। प्रॉपर फॉर्मेटेड वे में अगर आप आंसर लिख सकते हो देन इट इज गुड, अदरवाइज ये किसी काम का नहीं है। तो हम इतने रूल तो ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में बना लेते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाइनल लॉ के लिए इतने रूल तो बना लेते हैं कि भैया हम ट्रू एंड फेयर प्रिपरेशन करेंगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं मारेंगे, दूसरा हम कोई रिविजन बैचेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, नहीं तो मैं पहली बार लॉ पढ़ रहा हूं, बुक ही आज खोल रहा हूं, वो भी रिविजन बैच में, कैसे होगा? अगर आप हो गया ना तो भाई तो आप तो बहुत लकी हो, मतलब आपने भगवान को तो 500-600 नारियल चढ़ा देनी चाहिए अभी तक के। फिर उसके बाद में फुल सिलेबस या फास्ट ट्रैक फुल कोर्स के साथ आप जोड़ सकते हो, हालांकि फास्ट ट्रैक फुल कोर्स भी मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की ही एरिया है, मैं इसको रिस्की मानता हूं, लेकिन ठीक है, कंसेप्ट के ऊपर अगर आप वर्क कर सकते हो तो कंसेप्ट उठा लो, वर्क करना शुरू करो। आपको कॉन्फिडेंस है क्या ये एनालाइज करने के लिए? फिलहाल आप इतना सोचो कि आपके 100% कंसेप्ट सब सही जा रहे हैं क्या, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, या आप अभी एनालाइज कर लो, अगर आपका सही है तो एकदम सही जा रहा है, और कंसेप्ट सेल्फ स्टडी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके का प्रिपरेशन, हम कंसेप्चुअल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, यह चीज को आपने ध्यान में रखना है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। और हमको यह स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, मैं अभी नहीं बोल रहा, हम देख रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर लॉ, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब आपका पूरा सही होगा 100%, तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, राइटिंग प्रैक्टिस को भी। अब ओवरऑल मेरी स्ट्रेटेजी, देखो कोई भी रास्ते पे चलने के लिए एक मंजिल होना जरूरी है, एक बहुत अच्छी मंजिल होना जरूरी है। तो ओवरऑल मेरे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की 3 मंजिलें हैं, 3 टारगेट्स। पहला कि आप जो सेल्फ स्टडी में, इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप जो सेल्फ स्टडी में 200 से 250 घंटे देने वाले हो लॉ के प्रिपरेशन के लिए, 200 से 250 घंटे लॉ के प्रिपरेशन के लिए आप जो देने वाले हो, हमें उस प्रिपरेशन को कुछ ऐसे करना है कि ये क्रंच होके हम लास्ट 24 आवर्स में खत्म कर दे, इसके ऊपर बहुत वर्क लगेगा। 200 से 250 घंटे आपको नॉर्मल फर्स्ट रीडिंग के लिए लगेगा, 200 से 250 घंटे फर्स्ट रीडिंग के लिए, फिर नियरली आपका ऐसा होना चाहिए कि इसका नियरली 1/2 से 1/3 टाइम
आपका फर्स्ट रिवीजन के लिए लगना चाहिए। अगर आप सेकंड रिवीजन के लिए आपके पास समय बचा, अगर बचा तो ऐसे सिचुएशन में आपको फर्स्ट रिवीजन के भी 1.5 टाइम लगना चाहिए और एंड में आप 24 आवर्स के अंदर इसको कंप्लीट करते आना चाहिए। तो ये चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल 250 घंटे अगर मैं मैक्स पकड़ू तो यहां पर टेंटेटिवली आप मान लो कि भैया एक मतलब नियरली 125 घंटे के अंदर आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए। नियरली ऐसा मान लो कि आप 50 घंटे के अंदर आपका सेकंड रिवीजन होना चाहिए और फिर आप ऑब्वियसली लास्ट 24 आवर में जब एक दिन की छुट्टी होती है इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ये मेरे प्रिपरेशन का ओवरऑल स्ट्रेटेजी है, मैं इसी हिसाब से करना चाहूंगा। मतलब मैं मेरे रेगुलर बैच में भी यही करवाता हूं कि भैया ओवरऑल कंसेप्ट पहले पढ़ लेंगे, फिर उसको बूस्टर रिवीजन बुक से रीड कर लेंगे, फिर क्वेश्चन एयर को मार्क्स कर लेंगे, बात और। सो ये चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप 250-300 घंटे लास्ट 24 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो तो आपका प्रिपरेशन सही है। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, अदरवाइज ये चीज काफी मुश्किल है बेटा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दूसरा, आपकी प्रिपरेशन एनालिटिकल और क्रॉस रेफरेंस वाली होनी चाहिए। पढ़ाई के हिसाब से, स्टडीज के हिसाब से क्रॉस रेफरेंस वाली होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको पहले ही बोल दूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं एक बार आपको सिर्फ पेपर दिखाता हूं, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ मैं बोल रहा हूं। इसलिए ये नवंबर 2019 के पेपर का एनालिसिस है कि इंस्टीट्यूट किस तरीके से सवाल पूछती है और कौन से स्टार वाला पेपर है। ओवरऑल तो इस पेपर का मैं रेटिंग दिखा दूं जो लास्ट टाइम पूछा गया था, और नियरली मई 17 से पता नहीं इंस्टीट्यूट को क्या हुआ है, हर पेपर उन्होंने 3.5 से 4 स्टार से आसपास ही रखा है। तो ओवरऑल 3.5 स्टार to 4 स्टार वाला यह पेपर था। और अगर मैं इस पेपर के अंदर आपको बेटा सिर्फ क्रॉस रेफरेंसेस दिखाऊं, नथिंग एल्स, तो देखो बेटा पहला ही सवाल था नवंबर 2019 वाला, 3 सेक्शन क्रॉस रेफरेंस में, वो भी सब सेक्शंस। दूसरे सवाल के ऊपर जाओ 3 और 1 4 सेक्शन क्रॉस रेफरेंस में। तीसरे सवाल के ऊपर जाओ 2 सेक्शंस क्रॉस रेफरेंस में। चौथे सवाल, वो तो 2 सेक्शन कंबाइन ही है। पांचवें सवाल के ऊपर आप जाओ तो एक्ट के ऊपर सवाल पूछा है, फिर फॉरेन। अब देख सकते हो आप ओवरऑल तो सेबी एलओडीआर और सेक्शन 177 क्रॉस रेफरेंस में, नीचे वाइंडिंग अप के अंदर 2 सेक्शन क्रॉस रेफरेंस में, फिर रजिस्टर्ड वैल्यू और रूल्स के साथ क्रॉस रेफरेंस में। मतलब ये तो मेरे को समझ में आ रहा है या आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल इंस्टीट्यूट अभी क्रॉस रेफरेंस और एनालिटिकल सवाल पूछने पर एकदम भिड़ी हुई है। तो यह चीज तो आपको समझ में आनी पड़ेगी। और बाद में हमारा ओवरऑल थर्ड टारगेट है कि आपको लिखते और सॉल्व अच्छे से करते आना चाहिए। तो ओवरऑल हमारे 3 टारगेट है, 200 से 250 घंटे का प्रिपरेशन 24 घंटे में कन्वर्ट करना है, एनालिटिकल क्रॉस रेफरेंस के साथ में इसको कन्वर्ट करना है, और राइटिंग और सॉल्विंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइटिंग और सॉल्विंग प्रैक्टिस के लिए मैं कम से कम इंसिस्ट करूंगा 500 सवाल, 500+ क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये एटलीस्ट आपके आंखों के नीचे से जानी चाहिए, रीड करनी चाहिए, सॉल्विंग अलग बात है, ठीक है। मेहनत, मैंने पहले ही बोला बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलने वाला, और अपन बहुत एवरेज स्टूडेंट है तो अपने को उसके हिसाब से ही मेहनत करना पड़ेगा। मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, मैं ही मेहनत करके पास हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था, मेहनत किया, सेकंड अटेम्प्ट में पास हो गया। तो यह चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। अब मैं आता हूं ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे। पहले तो मैं आपको 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दूं आप सबको। पहली कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट वो है जिनको 3 महीने बाकी है यहां से और उनको सिर्फ एक ही ग्रुप प्रिपेयर करना है कि नहीं सर मेरा सिर्फ फर्स्ट ग्रुप ही बाकी है, मैं प्रिपेयर करना है, या सर मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रुप देना चाहता हूं मैं उसी को प्रिपेयर करूंगा। वो फुल सिलेबस प्रिपेयर करने वाले हैं, मैं उनको एफ करके वर्डिंग से नवाजूंगा इसके बाद में पूरे लेक्चर में। और जिनके पास समय नहीं है और जिनके 2 से कम सब्जेक्ट रेडी है, बोथ ग्रुप देने वाले हैं और 2 से कम सब्जेक्ट रेडी है, ठीक है, उनको मैं ऑप्शनल प्रिपरेशन का एक ऑप्शन देना चाहूंगा कि कौन से टॉपिक आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो, कौन से टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हो। हालांकि जो सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हैं या जो नियरली अभी आपके एग्जाम 3 महीने या उससे ज्यादा है, एक ही ग्रुप दे रहे हो एंड मोर देन 3 मंथ्स आपके पास है प्रिपरेशन के लिए, मोर देन 3 मंथ्स आपके पास है, कोई नवंबर अटेम्प्ट वाला, कोई मई अटेम्प्ट वाला, तो नो मोर देन 3 मंथ्स आपके पास है तो आप फुल सिलेबस में आओगे। आपके पास समय नहीं है, 2 से कम सब्जेक्ट या 2 या 2 से कम सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड, 6 सब्जेक्ट का बोझ आपके ऊपर है, 3 या 4 महीने ही आपके पास बाकी है, 3 मंथ्स to 4 मंथ्स ही आपके पास बाकी है, तो आपको ऑप्शनल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर गुजरना पड़ेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, जहां मैं ऑप्शनल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बोलूं वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क तो होगा। हालांकि फुल सिलेबस में हमको रिस्क खत्म ही करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो उसमें भी फ्लंक हो जाओ, ये नहीं होना चाहिए।
इसने फुल सिलेबस प्रिपरेशन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करो, एक ही बार प्रिपरेशन करो, एक ग्रुप खत्म करो, ये मेरा मकसद है। सो एफ एंड ओ याद रखना, ऑप्शनल प्रिपरेशन वाले, फुल सिलेबस प्रिपरेशन वाले। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाइनल लॉ, लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेटेजी। पहले तो सीए फाइनल का सिलेबस, ये न्यू सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओल्ड सिलेबस के लिए मैं एट द एंड थोड़ा सा और टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आप ओल्ड सिलेबस के एडिशनल टॉपिक मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये पूरा का पूरा प्लानर आपके लिए भी है क्योंकि मेन टॉपिक्स कुछ कॉमन ही है, 85-90 मार्क्स कॉमन ही है, तो इसलिए सुनना। सो पहली बात, मैं टॉपिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा बच्चों। कंपनी लॉ, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट के 149 से लेकर 470 तक के सेक्शन है, और इकोनॉमिक लॉ जिसके अंदर 6 टॉपिक्स है। कंपनी लॉ नियरली आपको आता है, कंपनी लॉ प्लस सिक्योरिटी लॉ में इसको कहना चाहूंगा, ये आपको आता है बच्चों 70 मार्क्स के लिए, और इकोनॉमिक लॉ ये आप देख सकते हो आपको आता है 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, 30 मार्क्स के लिए। कंपनी लॉ फर्दर डिवाइड होता है बच्चों दो पार्ट के अंदर, डायरेक्टर्स मिसलेनियस टॉपिक्स, डायरेक्टर्स 149 से 205, मिसलेनियस टॉपिक्स 206 से 470, और मिसलेनियस में और दो सिक्योरिटी लॉ वाले टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, वो हम देखेंगे। डायरेक्टर्स नॉर्मली 20-30 मार्क्स, ये हर बार का ट्रेंड रहा हुआ है, कई बार डायरेक्टर 40-45 मार्क्स के लिए आता है, इसलिए इसको तो आप ऑप्शन में छोड़ ही नहीं सकते, इसका पूरा स्टडी बहुत ताकत से आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी सेम, कंसेप्ट पढ़िए, दूसरा कंसेप्ट के एनालिसिस सही कीजिए, तीसरा कंसेप्ट के क्रॉस रेफरेंस बहुत सही तरीके से तगड़े क्रिएट कीजिए। जो मैंने पहले दो तीन सवाल दिखाए थे अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के पेपर के अंदर नवंबर 19 के, उसके अंदर पहले दो तीन सवाल डायरेक्टर्स के ऊपर ही थे और तीन सेक्शन एट ए टाइम क्रॉस रेफरेंस में चल रहे थे। चौथा, इन सब चीजों को रिमेंबर कीजिए, और पांचवा, आप इनको सही तरीके से प्रेजेंट कीजिए तो आपके मार्क्स कोई नहीं चुरा सकता, कोई मतलब कोई नहीं। मैं मेरे क्लास में भी ओवरऑल इस चीज के ऊपर ही ध्यान देता हूं, सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ाता हूं कि कंसेप्ट समझ में आ गया, फिर उसके एनालिटिक्स करता हूं कि बॉम्बर्स वगैरह सही तरीके से यूज हो, कि पूरा एनालिसिस हो जाए, छिन्न विच्छिन्न हो जाए, सेक्शन खत्म हो जाए, फिर उसके क्रॉस रेफरेंस हम क्रिएट करते हैं, फिर उसको याद कर लेते हैं बूस्टर बुक में से, मतलब पूरे 10-12 पेज का अगर मेरा कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो मैं उसको 2-3 पेज के बूस्टर बुक में से खत्म कर दूंगा। आपको भी सेम ही करना है, अगर आपकी कोई ओरिजिनल बुक है सेल्फ स्टडी वाली तो बल्कि बुक में से क्या क्या काम का है ये आपने आपके नोट्स के अंदर, खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, बेस्ट चीज है, खुद के नोट्स के अंदर लिख लेना कि भैया ये 10 पॉइंट है, ये 4 पेजेस में से ये 10 पॉइंट मैं याद रखूंगा, फिर उसके ऊपर एनालिसिस और उसके क्रॉस रेफरेंस कि भाई ये सेक्शन कहां लगता है, ये सेक्शन कहां लगता है, ये सेक्शन कहां लगता है, ये आपको करना पड़ेगा, बिकॉज बिना क्रॉस रेफरेंस के अगर आप जाओगे एग्जाम में तो बिल्कुल बेटा ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको पेपर ईजी जाएगा। सो क्रॉस रेफरेंस, फिर उसको याद कर लो, और प्रेजेंट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल टेक्निक, जो भी आप बुक आजकल ले रहे हो हर एक क्वेश्चनर के साथ अवेलेबल है, मेरा भी क्वेश्चनर अवेलेबल है जिसके अंदर 650 प्लस क्वेश्चन है, तो नियरली 500 क्वेश्चन आपने कवर अप करने चाहिए। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी दूंगा, दो क्वेश्चन को पढ़िए, दो क्वेश्चन को रीड कीजिए और एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, दो क्वेश्चन रीड कीजिए, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नॉर्मली लॉ का कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 7 मिनट का समय लगना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में भी इतना ही समय मिलता है, एग्जाम में भी इतना ही समय मिलता है। सर कैसे, तो सिंपल सी बात है कि बेटा 180 मिनट्स होते हैं डिवाइडेड बाय 100 मार्क, लेकिन 180 मिनट तो पूरे के पूरे हम यूज नहीं कर पाएंगे 3 घंटे के हिसाब से, तो 10 मिनट पढ़ने के लिए, 10 मिनट चेकिंग के लिए, तो 160 मिनट, तो एक मार्क के लिए आपके पास 1.6 मिनट्स है बेटा। मतलब अगर आप 4 मार्क का सवाल सॉल्व कर रहे हो तो आपको नियरली मैक्सिमम 7 मिनट्स मिलेंगे, तो दो क्वेश्चन रीड करना उसके लिए तो आपको 2-2 मिनट लगेंगे, और एक क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब अगर आप 7 मिनट में दो क्वेश्चन रीड कर रहे हो, 7 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो टेंटेटिवली आप ऐसा पकड़ लो कि 15 मिनट्स के अंदर आपके 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, 15 मिनट्स में आपके 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में ऐसे अगर मैं 4 मतलब घंटे के हिसाब से बोलूं एक आर के अंदर, तो 12 क्वेश्चन आप एक आर के अंदर कंप्लीट कर रहे हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, 12 क्वेश्चंस एक आर में अगर आप कंप्लीट कर रहे हो, ओवरऑल आप इस चीज को अगर लेके जाओ एक घंटे में 12 क्वेश्चन, तो अगर आप नियरली कुछ नहीं और 400 से 500 क्वेश्चंस का भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो टेंटेटिवली 40 आवर्स के आसपास,
40 आवर्स के आसपास, मतलब 40 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 12 क्वेश्चन, तो 480 के आसपास क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। हालांकि इससे भी कम लगेगा बिकॉज क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं। तो 35 आवर्स के अंदर टेंटेटिवली आपका सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। 35 आवर्स के अंदर नियरली, समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो 35 टू 40 आवर्स में अगर आपका क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया तो बचा हुआ पूरा जो समय है, मतलब अगर मैं 200 घंटे का अगर आपका मिनिमम प्रिपरेशन पढ़ू तो 200 घंटे में से 40 घंटे आपके राइटिंग में गए, तो बचे हुए पूरे 160 घंटे आपके रीडिंग, एनालिसिस और क्रॉस रेफरेंस के अंदर जाने चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो अब इस पूरे समय को डिवाइड कैसे करना? अगर आप 200 घंटे की मिनिमम प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे आप मैक्सिमम इसको 250 घंटे तक स्ट्रेच कर सकते हो, बट बियॉन्ड 250 घंटे मत करना, बिकॉज 250 घंटे का प्रिपरेशन मतलब 25 दिन आप सिर्फ लॉ के लिए दे रहे हो और 3 महीने में कालावधि है 90, और आप 25 दिन के लिए 90 दिन और 25 दिन लॉ के लिए ही दे रहे हो, तो बचे हुए सब्जेक्ट आप कब प्रिपेयर करोगे? So, इस हिसाब से डायरेक्टर्स के लिए अगर आप 250 मतलब टोटल लॉ के लिए 250 घंटे दे रहे हो या 200 घंटे दे रहे हो, मैं 200 पकड़ के चलता हूं, लेट्स टेक कि आप अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हो, या ऑन एन एवरेज 220 लेके चलते हैं या 210, तो 70-80 आवर्स आपको डायरेक्टर के ऊपर देने पड़ेंगे और 70-80 आवर्स में डायरेक्टर के सब क्वेश्चन, क्रॉस रेफरेंस और एनालिसिस खत्म हो जाना चाहिए। मिसलेनियस टॉपिक के लिए आपको 70-80 घंटे मिलेंगे, अब कहीं 10 घंटे कम पड़ेंगे, कहीं 10 घंटे ज्यादा, मिसलेनियस टॉपिक में हमेशा आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, 70-80 आवर्स इसके लिए, और 70-80 आवर्स आपने टेंटेटिवली देने चाहिए इकोनॉमिक लॉ के लिए। ये वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड आप इक्वेशन समझ लो, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? इस हिसाब से प्रिपरेशन होना चाहिए। डायरेक्टर तो आप कुछ भी नहीं छोड़ना, जो भी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, स्ट्रेटेजी पहले कंसेप्ट समझो, फिर एनालिसिस, क्रॉस रेफरेंस, रिमेंबर, प्रेजेंट। प्रेजेंट करते वक्त 2 क्वेश्चन रीड करना, 1 क्वेश्चन सॉल्व करना, इससे आपका काफी काम हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज होने के बाद जब आप मिसलेनियस टॉपिक के ऊपर आते हो, तो मिसलेनियस टॉपिक में जो सेक्शन 206 से 252 है, इसके अंदर 5 टॉपिक कवर होते हैं मिसलेनियस टॉपिक में, जिसके अंदर है इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, रजिस्टर्ड वैल्यू और रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी। ये 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो ये 40 से 50 मार्क का अगर मिसलेनियस टॉपिक है, इसमें से अगर मैं सिक्योरिटी लॉ को अश्योर्ड 10 से 15 मार्क्स दे दूं, जो सिक्योरिटी लॉ 10 से 15 मार्क्स के लिए आता ही है, तो अगर मैं 40 से 50 मार्क में से 10 से 15 मार्क सिक्योरिटी लॉ के लिए दे दूं तो 30 मार्क बचते हैं मिसलेनियस टॉपिक के लिए, ये दोनों एरियाज के लिए, सेक्शन 206 से 252 और 252 से 470। अगर मैं बोलूं कि 30 से 40 मार्क ये दोनों के लिए है, तो आप इतना तो बात मेरा बहुत सिंपली समझ जाओ कि ये 5 टॉपिक के ऊपर, अगर ये 5 टॉपिक के ऊपर 20 से 25 मार्क कम से कम आएंगे, ज्यादा ही लेकिन कम नहीं, 20 से 25 यहां तक कि 30 मार्क भी इन टॉपिक्स के ऊपर जमा हो सकते हैं, बिकॉज बचे हुए में से आप देख सकते हो आधा सिलेबस तो कट चुका है, मैंने सब काट के रखा हुआ है, तो आधा सिलेबस तो बचे हुए में से कट चुका है, तो बचा इतना, तो 20 से 30 मार्क आप इसके ऊपर स्कोर कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्टर्स पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया, जो एनालिटिकल इंटरेस्टिंग है और खुद प्रिपेयर करो तो हो जाएगा, 20 से 30 मार्क आपने ये प्रिपेयर किया, 20 से 30 मार्क आपने ये प्रिपेयर किया, 60 मार्क्स का प्रिपरेशन तो आपका 149 से 2 से 252 में ही खत्म हो जाएगा। 60 मार्क्स का प्रिपरेशन 149 से 252 के अंदर, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अगर हम ऐसा बोले तो 50-60 मार्क का प्रिपरेशन आपका इसमें हो जाएगा। इसको अगर आपने बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लिया और इसमें से अगर आप 40 मार्क्स भी निकाल पाए तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन बहुत सही तरीके से इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूं मिसलेनियस टॉपिक के लिए 70-80 घंटे देने, तो आप इसके ऊपर बकायदा 40-50 घंटे दे सकते हो, मतलब ये पूरा प्रिपरेशन करने के लिए 40-50 आवर्स मिसलेनियस टॉपिक के आपने देने चाहिए, इससे आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा हो जाएगा। तो डायरेक्टर्स आपका प्रिपेयर होना चाहिए एनालिटिकली, क्रॉस रेफरेंस में, ये भी आपका एनालिटिकली और क्रॉस रेफरेंस में प्रिपेयर होना चाहिए। थोड़ा मैं चैप्टर वाइज भी कमेंट करना चाहूंगा, वीडियो 2 मिनट लेट हुआ तो चलेगा, पर प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, इट इज काइंड ऑफ सोशो टॉपिक, काफी प्रोसीजरल है। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन में एक टिप मैं देना चाहूंगा जो मैं नॉर्मल क्लास में यूज करता हूं, वो ये है कि इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन में आप कॉमन पॉइंट्स निकाल सकते हो, मतलब नियरली इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के 25 सेक्शन में से, 206 से लेकर 229, 25 सेक्शन में से कुछ 15 सेक्शन ऐसे जिसमें कॉमन पॉइंट्स ही है, या आप सेपरेटली निकाल लो। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन में प्रोसीजरल पार्ट है, इसके अगर आप चार्ट्स बनाओ बड़े बड़े तो बहुत काम में आएगा। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, केस लॉ तो बेटा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के फेवरेट है, मतलब पूरे सीए फाइनल लॉ में सबसे ज्यादा केस लॉ इस चैप्टर के अंदर है, ये और आईबीसी।
और उसके बाद रजिस्टर वैल्यूअर एक सिंगल सेक्शन का चैप्टर विथ रूल्स, रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी चार पांच सेक्शन का चैप्टर छोटा सा, तो आपका ज्यादा समय कंज्यूम नहीं करेगा। तो कॉमन पॉइंट्स इंस्पेक्शन में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में चार्ज बनाओ, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में केस लॉस, इसके ऊपर बड़े अच्छे से ध्यान देना। बाकी तो छोटे छोटे ऊपर आप मैनेज कर लोगे, आई एम कॉन्फिडेंट। फिर ये होने के बाद 252 से लेके 470 का जो प्रिपरेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें कट चुकी है। जैसे 252 से 269 से कंपनी वाला चैप्टर है कट चुका है, वाइंडिंग अप 270 से लेके 365 है, उसमें से 23 सेक्शन कटे हैं, 7 सेक्शन कटे हैं, 8 सेक्शन कटे हैं, मतलब नियरली 38 सेक्शन से 40 सेक्शन तो कटे ही है। अगर मैं बोले 95 सेक्शन से, तो 48 सेक्शन 40 सेक्शन कट चुके हैं, तो आपको 55 सेक्शन के आसपास प्रिपरेशन करना पड़ेगा। 55 अब वाइंडिंग अप, ये जितने मार्क्स इसके है, इसके मार्क्स है कम और इसका प्रिपरेशन समय है ज्यादा। लेकिन मैं अब बोलना चाहूंगा, अब जरूरत आती है, अगर आप फुल सिलेबस वाले हो, जो मैंने एफ और ओ बोला था इधर कि आपके पास समय और फुल सिलेबस वाले है, तो फुल सिलेबस वाले थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे अमन समझने के लिए, फुल सिलेबस वाले डायरेक्टर पूरा करें, ऑप्शनल सिलेबस वाले भी डायरेक्टर पूरा करें। ये चार चैप्टर फुल सिलेबस वालों ने भी कंप्लीट करने हैं, ऑप्शनल सिलेबस वालों ने भी कंप्लीट करने हैं, पांच चैप्टर्स। हाँ, अब यहां पे थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होगा, बड़े अच्छे से ध्यान देना। सिक कंपनीज तो है ही नहीं, इसलिए टेंशन ही नहीं है। वाइंडिंग अप सिर्फ फुल सिलेबस वाले प्रिपेयर करें, ऑप्शनल सिलेबस वालों को मैं ये बोलूंगा ना देखे तो बेहतर है, क्योंकि वाइंडिंग अप पहले पढ़ना, कंसेप्ट समझना, प्रोसेस ड्राफ्ट करना, एनालिसिस करना, क्रॉस रेफरेंस क्रिएट करना, और मार्क्स मिलेंगे 5 या मैक्सिमम 10, पढ़ने हैं 55 सेक्शन। तो ये सिर्फ फुल सर्विस वालों के लिए रिकमेंडेड है, ऑप्शनल वाले ना देखे। फॉरेन कंपनी फुल वाले भी कर ले, ऑप्शनल वाले भी कर ले, गवर्नमेंट कंपनी फुल वाले भी कर ले, ऑप्शनल वाले भी कर ले, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव चैप्टर्स है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, कम समय में ज्यादा आउटपुट और पूरे मार्क्स देखे जाते हैं। इसमें तो 2 सेक्शन है फॉरेन कंपनी में, कुछ 12-13 सेक्शन है। रजिस्टर्ड एंड फीस तो डिलीट हो चुका है, 405 भी डिलीट हो चुका है, इंफॉर्मेशन 36। निधि जो है, निधि तो मैं भैया रेकमेंड करूंगा कि फुल सिलेबस वाले भी करें और ऑप्शनल वाले भी करें, बिकॉज निधि कंपनी तो ऑडिट में भी है, ऑडिट सब्जेक्ट में भी निधि है। और ऐसा चैप्टर जिंदगी में कभी नहीं छोड़ना जो 2 सब्जेक्ट में कॉमन आता है, जिंदगी में नहीं छोड़ना। यहां भी 4-5 मार्क दे सकता है, वहां पर भी 4-5 मार्क दे सकता है अगर आ गया तो। एनसीएलटी प्रेफर करो सिर्फ फुल सिलेबस वाले करें, क्योंकि एनसीएलटी का सोल उन्होंने जो डिलीट किया 407 से लेके 419 सेक्शन, मतलब एनसीएलटी का सोल ही उखाड़ के ले लिया इंस्टीट्यूट ने, एनसीएलटी का पूरा जो आत्मा था ना वो निकाल के ऐसे फेंक दिया, बचा एनसीएलटी में कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ फुल सिलेबस वाले प्रिपेयर करें। स्पेशल कोर्ट मैं बोलना चाहूंगा फुल सिलेबस वाले प्रिपेयर करें, और 447, 450 और 455 ये फुल सिलेबस प्लस ऑप्शनल सिलेबस वाले प्रिपेयर करें। ये प्रिपरेशन भैया आपको करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा प्रिपेयर करोगे तो काम का है। तो आपका जो ऑप्शनल वाले हैं उनका वाइंडिंग अप पे समय बच जाएगा, उनका ये नीचे के कुछ चैप्टर्स के ऊपर समय बच जाएगा, और 447, 450 एंड 455 तीन ही सेक्शन 448 और 470 से एप्लीकेबल है, तो ये तीन ही सेक्शन पढ़ना है। हालांकि ये तो हमारे क्लास में क्रॉस रेफरेंस के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, तो ये चीज को आपने याद रखना। अब सिंपल स्ट्रेटेजी है, 149 से 252 घोट के पी जाओ, ये 50 मार्क से और तुम्हारा नसीब अच्छा रहा तो 60-65 मार्क में से भी हो सकता है। ये 50 मार्क से अगर आप, या चलो इमेजिन 40 मार्क से अगर आप 30 भी निकाल लिए तो आपका काम बन गया है, काम यही खत्म होता है, एनालिटिकल चैप्टर है। प्रॉब्लम में इनको क्यों कह रहा हूं इतना ज्यादा करने के लिए, रीजन ये है कि अगर ये आए तो कम से कम 40 मार्क के लिए आएंगे ये सब मिलके, और अगर ये बढ़ गया ना तो ये 60-61 मार्क तक के भी आ सकते हैं, इतने डेंजर चैप्टर से है ये। इसलिए मैंने सेपरेट करके रखा, आप देख सकते हो 10 चैप्टर है और उसमें से भी आधा मैटर तो कट चुका है। अब आते हैं सिक्योरिटी लॉ, मिसलेनियस टॉपिक में ही 2 लॉज उन्होंने ऐड किए हैं सिक्योरिटी लॉ, जो पहले ओल्ड सिलेबस में अलाइड लॉ का पार्ट हुआ करते थे। तो अलाइड लॉ तुमको तो प्रिपेयर करना ही है। ये टेंटेटिवली 10 मार्क का पोर्शन आपका लेके जाएगा, 10 मार्क से 15 मार्क का पोर्शन आपका लेकर जाएगा। सिकरा बहुत सिंपल है, मैं मेरे क्लास के अंदर 1 से 1.5 लेक्चर में सिकरा फिनिश कर देता हूं, बहुत सिंपल है पर कंसेप्चुअल काफी है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। सिकरा के अंदर कंसेप्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी, चार्ट्स पे मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात याद रखना। सेबी तो जब से आईसीडीआर डिलीट हो चुका है
सेबी में तो कुछ बचा ही नहीं, एलओडीआर ही बाकी है, और एलओडीआर काफी इजी है, उसके अंदर सिर्फ टाइम लिमिट से याद करनी है। सेबी एक्ट जो है, सेबी एक्ट के पेनल्टीज बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद को याद करने पड़ेंगे पूरे के पूरे। ए फॉर क्या होता है, 15 ABCD, तो ए फॉर क्या, बी फॉर क्या, सी फॉर क्या, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, क्लास के अंदर डेढ़ घंटे में हो जाएगा। सो सेबी एक्ट के पेनल्टीज याद करो, सेबी एक्ट की अपील से याद करो, और साथ साथ में एलओडीआर के टाइम लिमिट्स के लिए एक टेबल बना लो, एलओडीआर के टाइम लिमिट के लिए टेबल बना लो या चार्ट बना लो। हमारे क्लास में हम चार्ट बनाते हैं, आप टेबल बना सकते हो, बिकॉज चार्ट बनाना काफी कंसेप्चुअल वाला काम है, आप टेबल भी बना लो तो आपका काम हो जाएगा। सो एलओडीआर के टाइम लिमिट्स के लिए अगर आप एक टेबल बना लो तो यह चीज को याद रखना। एक ऊपर से टिप मैं देना चाहूंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर से हो सकता है आपके जाएगा, बिकॉज आपने देखा नहीं है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अलग से पढ़ते हैं, मैं थोड़ा क्रॉस रेफरेंस बोल दूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्रॉस रेफरेंस में 177, 178 ऑडिट कमिटी, रेमुनरेशन कमिटी, इनके साथ में पढ़ना, साथ में एलओडीआर के साथ पढ़ना। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 177 ऑडिट कमिटी, 178 रेमुनरेशन कमिटी कमेटी प्लस एलओडीआर, कतई इंपॉर्टेंट, और मेरे को लग रहा है कि इसको पूछा जाएगा, क्योंकि जब से एलओडीआर आया तब से इसके ऊपर सवाल पूछा नहीं है, और एलओडीआर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कतई गहरा संबंध है, बिकॉज एलओडीआर में 5 से 6 कमिटीज बनाई गई है, और हर कमिटी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक टिप एडिशनली, स्टार मार्क ये ले लेना भले के लिए, कि अगर आप प्रिपरेशन करो इसको पढ़ना अच्छे से तो आपको समझ में जरूर आएगा, ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है। सो प्लीज याद रखना कि इतना कंटेंट सेबी और सिकरा, सर ये किसने किसने करने हैं, तो मैं बोलूंगा अगर आप फुल सिलेबस वाले हो या आप ऑप्शनल सिलेबस वाले हो, दोनों ने आपने ये करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक लॉस के कंटेंट के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस का हाफ आर का एक वीडियो हो चुका है, बट ऑप्शन नहीं है, आप देख सकते हो मैं कितने डिटेल में जा रहा हूं, मेरे को मतलब समझाने में भी खुशी हो रही है। सो थोड़ा सा रुक लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, काम की ही चीज होगी, कुछ गलत तो नहीं होगा। फिर आते हैं इकोनॉमिक लॉ के 6 चैप्टर्स, फेमा, कतई जहर इंपॉर्टेंट, जहर इंपॉर्टेंट, जहर मतलब कहर इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर तो ईसीबी आया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जिसके लेक्चर अमेंडमेंट के मेरे यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएंगे, इस बार आरटीपी में दिया हुआ है। So, जो बच्चे ईसीबी के एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के लेक्चर्स के लिए रुके हुए हैं, 10 मार्च 10 सितंबर अमेंडमेंट के डेट फिक्स है बेटा, उस वक्त ये यूट्यूब पे रिलीज हो जाएगा। कतई जहर इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल एनालिटिकल क्रॉस रेफरेंस हर लेवल पे इंपॉर्टेंट है फेमा, ये चैप्टर को आप छोड़ ही नहीं सकते, फुल सिलेबस ऑप्शनल सिलेबस बोथ शुड डू दिस, आईबीसी फुल सिलेबस ऑप्शनल सिलेबस बोथ शुड डू दिस, एफसीआरए फुल सिलेबस ऑप्शनल सिलेबस बोथ शुड डू दिस। आईबीसी और एफसीआरए में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जो मैं क्लास के अंदर नॉर्मली करवाता हूं, इसका प्रैक्टिकल रेफरेंस लो, आईबीबीआई की वेबसाइट जो है, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और एफसीआरए की जो वेबसाइट है उसके ऊपर विजिट करो, प्रैक्टिकली अगर आप इन चैप्टर्स को देखोगे बहुत चीजें समझ में आएगी, और प्रैक्टिकल केस स्टडीज इनके ऊपर पूछे जाते हैं, हालांकि आप उन केस स्टडीज को सिर्फ कंसेप्ट बेसिस के ऊपर भी टैकल कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हो, लेकिन केस स्टडी पढ़ ही रही तो लिखने का कॉन्फिडेंस अलग होता है, और कंसेप्ट पढ़ा रहा तो लिखने का कॉन्फिडेंस अलग होता है। आर्बिट्रेशन काउंसिलिएशन मैं बोलूंगा फुल सिलेबस वाले करो, ऑप्शनल सिलेबस वालों को यहां थोड़ी सी मैं सहूलियत दे सकता हूं कि ना करे तो भी चलेगा, बट रिस्क है बेटा। सर्फेसिया कॉस्ट इफेक्टिव चैप्टर, एकदम कॉस्ट इफेक्टिव चैप्टर, फुल सिलेबस ऑप्शनल सिलेबस दोनों कीजिए बिल्कुल, मतलब एफसीए सर्फेसिया में तो सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 इस चैप्टर में तो एक सिर्फ पहले 20 से 25 मिनट का आप ट्रांजैक्शन समझ गए ना, 20 से 25 मिनट का एक ही ट्रांजैक्शन समझना है, वो अगर आप बड़े अच्छे से समझ गए ना तो पूरे एफसीआरए सर्फेस एरिया के प्रोविजन आप खुद बना सकते हो बेटा, खुद बैठ के बना सकते हो। क्लास के अंदर हम ये चीजें करते हैं, 20-25 मिनट के लिए मैं एक ही ट्रांजैक्शन समझाता हूं, बच्चों से पूछता हूं इस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में क्या होना चाहिए, बच्चे जवाब देना शुरू कर देते हैं, गलत भी थोड़े बहुत होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर एक ग्रिप मिल जाता है लॉ के ऊपर। तो सर्फेसिया का तो नियरली 8 कॉलम्स के अंदर, मतलब 2 पेजेस के अंदर तो हम पूरा निपटा डालेंगे चैप्टर को। फिर आता है पीएमएलए, पीएमएलए में बोलूंगा फुल सिलेबस वाले करो, ऑप्शनल सिलेबस वाले छोड़ सकते हैं, बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में पीएमएलए में नवंबर 19 में पीएमएलए में 2-3 सवाल पूछ लिए गए हैं, तो रिस्क थोड़ा सा कम है, यह मैं बोल सकता हूं। इतना अगर आप करो तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, पर जैसे मैंने बोला 70-80 आवर्स ईच ऑफ देम,
और लिखने के लिए आपको बकायदा सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे 2:1, ये 70-80 आवर्स में ही इंक्लूडेड है। अब प्रिपरेशन के तरीके आपके दो हो सकते हैं, मैं आपको दो स्ट्रेटेजी बोलना चाहूंगा कवर स्कोर करने की, बहुत अच्छे से सुनना। पहली स्ट्रेटेजी नंबर वन, गो विथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गो विथ इकोनॉमिक लॉ, ये आपकी स्ट्रेटेजी वन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 20 से 30 मार्क, इकोनॉमिक लॉ फिक्स 30 मार्क, मतलब कतई आपको 50 से 60 मार्क का आपका ये प्रिपरेशन हो चुका है, ये आपकी पहली स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन फिर इकोनॉमिक लॉ अगर आप स्ट्रेटेजी वन में प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर ऑप्शन में कुछ नहीं छोड़ना बेटा, फिर ऑप्शनल वालों ने भी सब कुछ प्रिपेयर करना है। सो ये 50 से 60 मार्क से अगर आप 40 से 50 मार्क लेके आ गए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बचे हुए 40 में से आपको 10 से 20 मार्क ही लाने हैं सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए, ये चीज को याद रखना। स्ट्रेटेजी नंबर टू, मतलब घोटना किस चीज को है ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेटेजी नंबर टू, ठीक है, जो मैं बता रहा था अभी तक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मिसलेनियस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट एरियाज और सिक्योरिटी लॉ, इतना कर लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 20 से 30 मार्क, मिसलेनियस टॉपिक से इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने 5 चैप्टर्स बोले थे ऊपर वाले, याद है 5 वाले, ये सुनो, ये 5 चैप्टर्स नियरली इनके ले लो आप 20 मार्क, ठीक है, पेसिमिस्टिकली जाते हैं। और इधर सिक्योरिटी लॉ के लिए आप ले लो 10 मार्क, तो ये भी 50 से 60 मार्क का इक्वेशन है, इसमें से भी आप 40 से 50 लेके आए। तो बचे हुए इकोनॉमिक लॉ और मिसलेनियस कंपनीज एक्ट के बचे हुए टॉपिक में से आपको 10 से 20 लेके आने हैं और अपन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो लॉ में एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेगा वो पास होगा, इट्स वेरी सिंपल एज दैट, ये चीज को याद रखना। तो ये दो स्ट्रेटेजी से आप प्रिपेयर कर सकते हो, और कोई स्ट्रेटेजी करने में जाना मत। आप ये बोलोगे कि सर मिसलेनियस के अनइंपॉर्टेंट टॉपिक छोटे छोटे और डायरेक्टर, बेटा वो पूछ भी सकते हैं नहीं भी पूछ सकते, ये जो मैं बोल रहा हूं ना ये पूछने ही वाले हैं, डायरेक्टर पूछने ही वाले, इकोनॉमी वाले पूछने ही वाले, मिसलेनियस टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले पूछने ही वाले, ऑप्शन नहीं है, सिक्योरिटी लॉ पूछने ही वाले हैं। तो जो पूछने ही वाले हैं वो कंपल्सन में रखो, बचे हुए थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लो, प्रैक्टिस मैनुअल से कर लो। अब इसमें जो बचे, मतलब अगर आप स्ट्रेटेजी वन में जा रहे हो तो जो मिसलेनियस पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपने प्रैक्टिस मैनुअल से भी अगर खत्म कर दिया या Q&A से खत्म कर दिया, मेरे क्वेश्चन यार से खत्म कर दिया, 650 क्वेश्चन से मई 2002 से लेके अभी तक पिछले 5 RTP 5 MTP मॉक टेस्ट पेपर्स इंक्लूडिंग, तो अगर आप उसमें से भी कर लो मिसलेनियस वाला टॉपिक चलेगा। जो नीचे वाले स्ट्रेटेजी में जा रहा है वो इकोनॉमिक लॉ थोड़ा सा कंसेप्चुअल और प्रैक्टिस मैनुअल या Q&A से भी करेगा तो भी हो जाएगा। ये दो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो, दोनों कारगर है, दोनों वर्केबल है। हां, अगर कोई रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो भाई कुछ मत छोड़ना तूने, पहले तू रैंक के सपने देख रहा है उसके लिए भी अपन तो बहुत खुश है, तुम सपने अगर रैंक के देख रहे हो तो कुछ मत छोड़ना तूने पूरा पढ़ना बेटा ताकत से, ठीक है। अगर कोई लॉ में अबाउ 70 इस बार आए हैं, पानीपत से कुछ स्कोर आए 77, 76, 73, दो तीन लड़कियां जबरदस्त वाले स्कोर ठोके हैं, AIRs ने अच्छे स्कोर ठोके हैं, 16 से 17 AIRs है, ऑब्वियसली AIR का क्रेडिट मैं हमेशा बोलता हूं, रैंकर्स का क्रेडिट भी नहीं, फेलियर का डेबिट भी नहीं, ये उनकी मेहनत है, मैं सिर्फ माध्यम है, मैं सिर्फ मीन है। सर इसके ऊपर हमको एक बहुत बड़ा सवाल है, सर पूछो बेटा, सर व्हाट अबाउट यम सी क्यू MCQ के बारे में आपको कुछ बोला ही नहीं, बोलो, सुनना चाहोगे तो सुनना, नहीं तो अभी बंद कर देना बेटा वीडियो। जो बंदा 5000 MCQs भी सॉल्व कर लेना उसको भी मैं बोलूंगा कि पूरे के पूरे 30 MCQs इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। देखो कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करोगे तो MCQs अपने आप बन जाएंगे, MCQs के पीछे भागोगे तो कंसेप्चुअल प्रिपरेशन जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप मेरी बात समझना, अगर आपने पूरा सिलेबस कंसेप्चुअली प्रिपेयर किया तो आपको MCQ से डरने की जरूरत नहीं है, 30 MCQ में से 25 तो आप कहीं पे भी मैनेज कर लोगे और 5 तो आप इधर उधर पूछ के सुने पहला दूसरा, हालांकि नंबर चेंज होते हैं बट उतना टैलेंट तो अपने में है ना,
बचपन से अभी तक प्रैक्टिस किस चीज का किया फिर? सो 25 एमसीक्यूज तो आई एम वेरी श्योर कि आप मैनेज कर लोगे। बचे 5 एमसीक्यूज, वैसे भी गोले लगाने, पर ये 5 एमसीक्यूज अजीब जगह से पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं एमसीक्यूज के हिसाब से कंसेप्ट प्रिपेयर करूं, ये कहां की जायज बात है? अरे एमसीक्यू सिर्फ 30 मार्क के लिए, अगर आपने एमसीक्यू के हिसाब से कंसेप्ट प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, हो गया आपका काम। आपका पहला रिवीजन और सेकंड रिवीजन तो आप भूल जाओ, देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन अगर आप एमसीक्यू के हिसाब से कंटेंट को पढ़ने लग गए तो। क्योंकि एमसीक्यू के हिसाब से कंटेंट को पढ़ोगे, हर लाइन हर वर्ड पढ़ना पड़ेगा, हर टाइम लिमिट हर पेनल्टी पढ़नी पड़ेगी, हर क्रॉस रेफरेंस पढ़ना पड़ेगा। तो अगर एमसीक्यू के हिसाब से मत जाओ, कंसेप्ट के हिसाब से प्रिपेयर करो, 25 एमसीक्यू बन जाएंगे। मैं बोल रहा हूं अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे ने कंसेप्ट चले प्रिपेयर किया और एमसीक्यू जमे ही नहीं, सर 30 के 30 उड़ गए। कैसे होगा? अगर आप 100 मार्क का सिलेबस कंसेप्ट चली पढ़ रहे हो, पूरा सिलेबस कंसेप्ट चली पढ़ रहे हो, तो भैया उसी में से एमसीक्यू आएंगे ना। तो एमसीक्यू के ऊपर मत कॉन्सेंट्रेट करो, आप सिर्फ इतना करो कि भैया एमसीक्यू प्रिपेयर करना है ना, पूरा सिलेबस खत्म हो गया आपका, पूरा सिलेबस खत्म हो गया। तो एक काम करो, 100 कोई भी एट रैंडम एमसीक्यू उठाओ इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर वगैरह के, 100 एट रैंडम टिक 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 थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, गेम ओवर। इससे ज्यादा एमसीक्यू की तरफ ध्यान देना नहीं, 100 एमसीक्यू गेम ओवर। ये लॉ का ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको यह चीज देखने से बेनिफिट हुआ होगा। मतलब मैं क्लास के अंदर, अब बेसिकली मैं क्लास के अंदर इसी चीज को बोलता हूं, ओवरऑल मैंने जैसे ही बोला था, क्लास प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं है, लेकिन मेरे क्लास में जो मैं करता हूं वो टारगेट भी यही होते हैं कि भाई 200 से 250 घंटे का प्रिपरेशन 24 घंटे में संभालो, एनालिसिस क्रॉस रेफरेंस स्टडी अच्छे से कर लो, और राइटिंग और सॉल्विंग प्रैक्टिस 500 क्वेश्चन की कम से कम होनी चाहिए। मेहनत करो, जरूर फल मिलेगा। जरूर मतलब जरूर, एमएफसीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में जब फेल हुआ था तब मैंने महसूस किया था, सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं पास हुआ तभी मैंने महसूस किया। मेहनत करो बहुत जरूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क। मैंने आप में इसमें से किसी भी चीज को गधा मेहनत करने के लिए नहीं बोला, जहां राइटिंग का समय बच सकता है वहां पर मैंने 2:1 दिया है बेटा कि 2 रीड करो 1 राइट करो, मेहनत करो। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी, अब सिंपली ये बोलू कि भाई नहीं सर आपने इतना सारा अच्छा स्ट्रेटेजी बोला मैं नहीं प्रिपेयर कर सकता, तो फिर किसी का भी सिलेबस ले लो, मैं इस स्ट्रेटेजी से प्रिपेयर करवाता हूं, तो आप मेरा भी क्लास उठा सकते हो अगर चाहिए तो, या किसी का भी उठा लो जो आपके फेवरेट टीचर है जो अच्छे लगते हैं, गो विद दैट। बट स्ट्रेटेजी का मेन कंटेंट मेरे हिसाब से पर्सनली ऐसा होना चाहिए। सो आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। सिर्फ इतना याद रखना, मेन बुक लास्ट 24 घंटे में नहीं पढ़ सकते, मेन बुक से एक शॉर्ट समरी बुक बनाना पड़ेगा, जैसे मेरे ओरिजिनल बुक से एक बूस्टर बुक है, और उससे आपको लास्ट 24 घंटे में पढ़ना पड़ेगा। आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसके ऊपर कोई एडिशनल क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो, मैं उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा या हमारी टीम उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी। दर्शन करे विद कैमरामैन दर्शन करे, साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।